जितना नाम इन लोगों ने कमाया है, इनके चंगू मंगू जो है नाम को डुबाने का काम कर रहा है। या भोजपुरी, अरे साला छी छी छी, चल इधर आओ, ये मैं तो अपने कुत्ता नियन ला रहा हूँ, सब कलाकार रहे। तो मैंने कहा भैया हाथ जोड़े पे मजबूर कर देवा कि भोजपुरी पे स्ट्राइक लगवा देवा, भोजपुरी बंद हो जाए। कभी देखिए कि खेसारी लाल यादव की बेटी पे कोई गाना गा देता है, खेसारी लाल यादव अपनी बेटी को फिल्म में गा देता है। आपको उसी समय लगा था कि खेसारी लाल यादव जी भी वहाँ पे लाइव नहीं किए, यहाँ पे देखिए कि पवन सिंह जी भी लाइव नहीं आए, हम ही लोग कोई आइडियल। आप किसको मानते हैं? शारदा सिन्हा दीदी और अपने ये चाचा को, भरत शर्मा चाचा को। पवन जी है, खेसारी जी, कोई भी आइडियल नहीं मानते हैं, क्योंकि इन लोगों को आइडियल हम तब मानेंगे जिस दिन से बिहार में ये लोग फिल्म करेंगे और बिहार के कलाकारों को। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बार फिर विवाद छिड़ गया है। खेसारी लाल यादव की टीम और पवन सिंह की टीम एक दूसरे में भिड़े। उसके बाद एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें लगातार खेसारी की फजीहत हो रही है। इसी पर बात करने के लिए सर एक्टर समीर चौधरी है, उनसे बात करेंगे। क्या भैया, लगातार ही भोजपुरिया में क्या हो जाता है कि लगातार ही वीडियो वायरल होता है, ऑडियो वायरल होता है, एक दूसरे पर गला गलौजी, क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहले आपके तमाम दर्शक के नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और रहा बात आप जिनका नाम ले रहे हैं, आपको क्या लगता है, मतलब कि जितना नाम इन लोगों ने कमाया है, इनके चंगू मंगू जो है नाम को डुबाने का काम कर रहा है ना? अरे भैया मेरे, आप लोग एक सुपरस्टार के आदमी हो, एक दूसरे को अगर कीचड़ में अगर ढेलवा मार भाई तो केकरा पर दो कीचड़वा, तोरे आदमी आ के जाके, ना कि वो हमरा पर रही थे, समाजे को पर रहा, भोजपुरी बदनाम हो रहा है ना? या भोजपुरी, अरे साला छी छी छी, चल इधर आओ, ये मैं तो अपने कुत्ता नियन ला रहा हूँ, सब कलाकार रहे। तो मैंने कहा भैया हाथ जोड़े पे मजबूर कर देवा कि भोजपुरी पे स्ट्राइक लगवा देवा, भोजपुरी बंद हो जाए, बिहार में भोजपुरी पे कोई कामे ना हो, भोजपुरी फिल्म बंद हो जाए, भोजपुरी एल्बम बंद हो जाए, ये लोग चाह रहा है ऐसा। कभी देखिए कि खेसारी लाल यादव की बेटी पे कोई गाना गा देता है, खेसारी लाल यादव अपनी बेटी को फिल्म में काम करा लेते हैं, कभी बेटा से ब्लॉग बनवा देते हैं, कभी अगले को गाली दे देते हैं। पवन सिंह का आदमी इधर फोन करके अगला को गाली दे देता है, डायरेक्ट चैलेंज करता है कि आके फरिया लो हमारा साथ, कहाँ पे, बनारस में। अब हमारा कहना है कि इतना जब सींग फूटी गया है तो चल जानो भाई, बॉर्डरवा पे खड़ा रहो ना, AK-47 लेके दुश्मन के रोकी है, काहे ला अपने में लड़ झगड़ रहा है? सब सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? तमाम जनता बोलेगा, समीर चौधरी बोलेगा पगला जाएगा, बता दे रहे। अगर सींगे फूट गया तुम लोग का, लड़ाइए करना है तो चलो ना यार, बॉर्डर पे रहो ना, 10 गो आर्मी के कम से कम तनी मुनी आसानी हो जाती ना कि चलो आ गलो भाई, लड़ाकू सब आ गलो, ये सब बड़का लड़ाकू है। लड़ाई झगड़ा से कभी किसी का भला नहीं हुआ, वो रामायण हो या महाभारत हो या फिर अन्य कोई भी काम हो, जैसे मुबारकपुर में जो घटना अंजाम देवल गए, बुरा हमको उसी समय लगा था कि खेसारी लाल यादव जी भी वहाँ पे लाइव नहीं किए, यहाँ पे देखिए कि पवन सिंह जी भी लाइव नहीं आए, हम ये लोग कोई के नहीं मानते भाई। गलती किसको मानते हैं, पवन जी को कि खेसारी जी को? हम तमाम उन लोगों को मानते हैं जिनके पास मानसिकता है ये नहीं है। अगर मान लीजिए कि हम रास्ता में चल रहे थे, हमारा एगो गाली दे दिया, अरे देख देते हो दोगला समीर, तो हम पीछे मुड़ के गाली दे देते तो हम बुर्बक हम ना कहलाते हैं, ठीक है अगला को सोच ले, हम चलते जा रहे दूरे से परनाम हवा उकनी के। हमारा कहना है कि भोजपुरी को ये लोग बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं, डुबाने का काम कर रहे हैं, भोजपुरी को ये लोग डुबा के रहेंगे। नहीं लग रहा है कि अब पूरा इंडिया में अब भोजपुरी समाज में गलत प्रभाव जाएगा, गलत संदेश जाएगा। देखिए, भोजपुरी को आबाद करने का काम दो आदमी किया, भरत शर्मा और शारदा सिन्हा दीदी, इसके अलावा कोई नहीं किया, वो देवी हो या कल्पना हो या जो भी हो, ये लोग कोई नहीं किया, सब चोली ढोनी करने के बाद आके अपना यहाँ पे नाम बनाया है। तो समीर चौधरी ये बार बार बोलता है कि अगर आप एक समाज को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो एक समाज में छेद करने का काम मत कीजिए। आप भोजपुरी समाज को बोलते हैं कि हम ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं, एक तरफ आप इधर एक दूसरे को गाली दे के भोजपुरी समाज को आप गड्ढा में गिराने का काम कर रहे हैं। मैंने कोई ऐसा फिल्म बनाइए बताइए इन लोगों को जो आके पवन सिंह पटना में शूटिंग करता हो या खेसारी लाल यादव का कोई फिल्म। अब तो बात मिलियंस पर है, उनके फॉलोअर बोल रहे हैं कि खेसारी जी के कई फिल्में हैं जो कई मिलियंस पार किए हैं, रिकॉर्ड तोड़े हैं। देखिए, मिलियन आज के डेट में ना सोशल मीडिया जो होता है ये सबको जोड़ के रखने का चीज है भैया। सोशल मीडिया से दूर दूर के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, मिलियन के फेरा में रहिए, एगो मिलियन वाला था चल गया हाथी गांड में। तो हमारा कहा नाम है कि मिलियन के फेरा में मत रहिए, मिलियन किसी का नहीं है, यहाँ लाओ 10,000 रुपया हम तोरा मिलियन दे दियो, नहीं दिए तो एगो मुँह मुड़ा के घूमेंगे साला। इसी बाजार में मिलियन बिकता है, मिलियन। और जो गांधी मैदान में जो रैली खड़ा हुआ ना पूरी बूंदिया पे, कोई ये कभी ना कहे कि मेरा फैन फॉलोवर्स है या हम मिलियनर है, हम मिलियन है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। दिखाना है तो ये दिखाई कि आपका संस्कार कैसा है, आपने समाज के लिए क्या किया है।
देखिए भोजपुरी को आगे बढ़ाने का काम कीजिए पवन जी और खेसारी जी, हम तमाम लोग को बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम खेसारी जी के उन आदमियों को बोल रहे हैं, जैसे विवेक जी को बोल रहे हैं या पवन सिंह के भगना को बोल रहे हैं कि देखिए आप लोग से मैं हाथ जोड़ के बोलता, समीर चौधरी कभी भी गलत ना बोल रहा है, हम हमेशा सच बोल रहा है। ये लोग कभी भी हमारे बिहार के कोई कलाकार को काम दिया है पूछिए तो, एक ओके काम नहीं दिया। समीर चौधरी ऐसे नहीं भौंक रहा है इन लोग के सामने, साला 1500 रुपये में हम एल्बम करने जाते थे, आज के डेट में हम एल्बम इसलिए छोड़े हैं कि चंगू मंगू दो चार को मॉडल ही सब आ गया फ्री में। कोरियोग्राफर सब कहता है कि फ्री में करो, 500 रुपया हम बचा लेंगे ही करेंगे भैया का, हाँ मतलब कि भोजपुरी को ये लोग एक बिजनेस बना रखा है, कोई यहाँ पे ये ट्रैक ना बना ला भाई जा। अच्छा आइडियल आप किसको मानते हैं? शारदा सिन्हा दीदी और अपने ये चाचा को, भरत शर्मा चाचा को। पवन जी है, खेसारी जी, कोई आइडियल नहीं मानते हैं, क्योंकि इन लोगों को आइडिया हम तब मानेंगे जिस दिन से बिहार में ये लोग फिल्म करेंगे और बिहार के कलाकारों को ये लोग काम देने लगेंगे, बिहार का मरीन ड्राइव, बिहार के गोलघर, ये सबको फिल्म में दर्शाएंगे तो आइडियल का हम भगवान मानबे, काहे कि हमारे समाज के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जय बिहार, जय समाज।